हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML और इसका लेक्चर नंबर 9। सो लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू माय चैनल टेक मैन। और आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इसमें टेबल इंसर्ट करवा सकते हैं HTML में, जो कि हमारे वेब डिज़ाइनिंग में हेल्प करेगा। तो इसके रिगार्डिंग इसको हम पहले हमें एटम नाम का जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन करना पड़ेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, लिखा रहा है वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू इंसर्ट टेबल इन HTML। ओके सो लेट्स स्टार्ट। तो अभी कोडिंग पार्ट शुरू होने वाला है। हमने एटम ऐप खोल लिया है और जैसा कि देख सकते हैं आप, HTML हेड टाइटल वेलकम टू HTML जो इसका टाइटल है वो हमने डाला है, और बॉडी। तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसमें कोडिंग। तो जो हमारा पहला जो कोडिंग होगा वो इसमें जो टैग हम यूज़ करेंगे वो टेबल टैग होगा। तो वी हैव टू इनपुट टेबल टैग फर्स्ट। हमने टेबल टैग इनपुट करवा दिया। उसके बाद जो हमें डालना है वहाँ पे रोज़ में वो हम डालेंगे यहाँ पे। तो उसके लिए हम TH टेबल हेडर, सॉरी नॉट रोज, टेबल हेड है, हेडिंग है, तो इसको TH से डिनोट करेंगे। पहले नेम डालेंगे। तो एक हम एम्प्लॉय की डेटा इंसर्ट करवाना चाहते हैं टेबल में। तो पहला जो डेटा होगा वो होगा नेम। अब इसको क्लोज कर देंगे, TH क्लोज। ऐसे करते करते हम चार TH रखेंगे यहाँ पे, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा होंगे। तो हम पहले इस TH को कॉपी करके हम चार जगह पेस्ट कर सकते हैं। तो जैसा मैं कर रहा हूँ, प्लीज़ देखिए। तो यहाँ पेस्ट किया हमने, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चार हमने पेस्ट कर दिया। अब हम चेंज करेंगे नेम को, हम चेंज करके हम एड्रेस डालेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है एड्रेस, नेम एड्रेस के बाद हम कॉन्टैक्ट रखेंगे, कॉन्टैक्ट लाइक फ़ोन नंबर। और जो लास्ट होगा वो होगा हमारा एम्प्लॉय आईडी, जो कि एक पर्सन की एम्प्लॉय आईडी होती है किसी कंपनी की, उसको एम्प्लॉय आईडी कहते हैं। तो ये एम्प्लॉय आईडी फोर्थ नंबर पे। तो ये हमने टेबल हेडिंग क्रिएट कर लिया है। अब इसको कंट्रोल सेव कर देंगे। उसके बाद एम्प्लॉय आईडी हमने डाल दिया है। उसके बाद हम इसको क्लोज कर देंगे टेबल को। तो हम ब्रैकेट डालेंगे और यहाँ पे टेबल क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो टेबल क्लोज हो गया है। अब इसको हम कंट्रोल एस से सेव कर लेंगे। और हमने कंट्रोल एस से इसको सेव कर लिया। हम इसको ओपन करेंगे अब। तो ओपन करने के लिए हम लेफ्ट साइड में एक बार है उस पर क्लिक करेंगे जो इसका प्रोग्राम है br.html, और यहाँ पे शो इन एक्सप्लोरर में क्लिक करेंगे। शो इन एक्सप्लोरर पे क्लिक करके हम उसके बाद हम जाएंगे इसको शो जो br नाम की जो फाइल है हमारी, उसको हम ओपन विद क्रोम करेंगे। जैसे ही हमने क्रोम में ओपन किया तो ये हमारे पास नेम एड्रेस, तो नेम एड्रेस कॉन्टैक्ट एम्प्लॉय आईडी जो टेबल हेडर हमने डाला था वो आ गया है यहाँ पे। तो अब हम नेक्स्ट टेबल हेडर कर दिया हमने। अब हम रोज में कुछ डालेंगे। तो उसके लिए हम जो टैग यूज़ करेंगे वो अब इसमें हम रोज़ इंसर्ट करेंगे। उसके लिए TR टैग हमने यूज़ किया। तो TR टैग में हम TD टैग यूज़ करेंगे। TD में हम अब ये जो भी हमने जो डिटेल डाली है ऊपर हेडर है उसकी इन्फॉर्मेशन डालेंगे नीचे। तो जैसे नेम में अपना नाम डाल दिया मैंने, नीतीश। उसके बाद TD हम क्लोज़ कर देंगे। ऐसे करते करते हम चार कॉपी करेंगे इसके, जैसे हम कॉपी कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। हमने पेस्ट कर दिया चारों यहाँ पे डिटेल्स। उसके बाद हम चेंज करेंगे नेम, तो हमने डाल दिया। उसके बाद जो एड्रेस होगा उसको हम एज ए डिफ़ॉल्ट हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो एड्रेस जो हम लेंगे वो ABC करके हम ले रहे हैं, एक ये डिफ़ॉल्ट एड्रेस है। तो बस रिप्रेजेंट करने के लिए, एड्रेस रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ABC ले लिया है। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल के लिए हमने 123 हम डाल लेंगे। तो ये हम डिफ़ॉल्ट ले रहे हैं, कोई इंफॉर्मेशन जस्ट आपको बताने के लिए। तो ये हमने डाल दिया। उसके बाद जो हम होगा, हम एम्प्लॉय आईडी उसमें हम डाल देते हैं 9876, ये भी डिफ़ॉल्ट है। तो
ये हमने चार इंसर्ट करवा दिए, हमने रोज़ जो ऊपर हमने हेडर डाला था उसके डेटा हमने इंसर्ट करवा दिए। अब हम जो ये टी आर है इसको हम क्लोज़ कर देंगे। तो जो हमने जो हेडर लिया था उसमें हम डेटा डालेंगे। तो जो अब हमने इसने कंट्रोल एस से सेव कर दिया है और यहाँ पे हम जब रिफ़्रेश करेंगे तो ये आ गया हमारा, तो इसके नीचे आ जाएगा। तो ये डिटेल नहीं आ रही है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई होगी। हम इसको दोबारा कंट्रोल एस करके सेव करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमें टी आर को क्लोज़ नहीं करना है, तो ये प्रॉब्लम थी तो हमने शॉर्ट कर लिया है। उसके बाद हम दोबारा इसको रिफ़्रेश करेंगे। तो जैसे ही हमने रिफ़्रेश किया तो यहाँ पे अब डिटेल आने लग गया है, नेम के नीचे नितिश और एड्रेस ABC, कॉन्टैक्ट 12345 और एम्प्लॉय ID 9876। उसके बाद ये फिर भी एक टेबल जैसा नहीं लग रहा है, तो इसमें हम कुछ और एडिट करेंगे। तो वापस हम अपने कोडिंग पे जाते हैं। तो हम कोड पे जा रहे हैं वापस, तो हम कोड पे आ गए हैं। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा टेबल फॉर्मेट में बनाएंगे। तो इसके लिए हम एक नया टैग यूज़ करेंगे और ये टेबल में ही एडिट करेंगे। इसको हम स्टाइल टैग करेंगे कहेंगे। तो स्टाइल टैग हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इसमें विड्थ जो है हमने विड्थ दे दिया, विड्थ को हम 100% कर देंगे विड्थ, जो हमने कर दिया। उसके बाद विड्थ 100% हो गया, उसके बाद हम इसमें इंसर्ट करवाएंगे अलाइनमेंट। तो जैसा कि आपने देखा था कि वहाँ पे अलाइनमेंट सही नहीं था, तो इसको अलाइनमेंट सेंटर करेंगे। तो उसके लिए जो टैग यूज़ करेंगे ये देखिए, तो अलाइनमेंट भी कुछ सही नहीं है, तो उसको एक ही अलाइनमेंट करेंगे। टेक्स्ट अलाइनमेंट करके, टेक्स्ट अलाइन करके एक टैग है वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ये देखिए टेक्स्ट अंडरस्कोर अलाइन, तो हमने डाल दिया। उसके बाद कॉलन, उसके बाद सेंटर, सेंटर हम यूज़ करेंगे अलाइनमेंट। तो ये हमारा हो गया टेबल स्टाइल। तो ये हमने यहाँ पे कर लिया और यहाँ पे सेमी कॉलन यूज़ कर दिया। तो अब इसको सेव करके हम दोबारा इसको देखेंगे। तो इसको सेव करते हैं पहले, ठीक है। एक बार इसको क्लोज़ करके हम देखते हैं, कंट्रोल एस से सेव करा और हम दोबारा इसको ओपन करके इसको रिफ़्रेश करते हैं। तो ये देखिए अब सही अलाइनमेंट हो गया, अब कुछ टेबल जैसा लग रहा है यहाँ पे। तो ये सही अलाइनमेंट यहाँ पे हमने कर दिया है। ये देखिए नेम के नीचे आ गया, एड्रेस के नीचे एड्रेस आ गया, कॉन्टैक्ट एम्प्लॉय ID के नीचे कॉन्टैक्ट एम्प्लॉय ID आ गई। तो नेक्स्ट जो हम करेंगे वो है इसमें और थोड़ी चेंजेस करेंगे, इसमें लाइन यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम अलग से कोडिंग यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम जो टैग यूज़ करेंगे स्टाइल टाइप यूज़ करेंगे, और यहाँ पे थोड़ा CSS का पोर्शन आएगा। तो CSS इतना कन्फ्यूज़ करने के लिए नहीं है, हम बाद में इसका लेक्चर कंप्लीट करेंगे। पर अभी जो इसमें सब थोड़ा स्टाइल पुट करवाने के लिए, एडिट करने के लिए मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ, तो इस पर उतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टाइल टाइप CSS टेक्स्ट हमने यूज़ किया है, बस इसको बस थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन के लिए जान लीजिए। तो हम टेबल, यहाँ पर टेबल है और जो हमने टैग यूज़ किया है TH TD और TR, ये तीन टैग यूज़ किया है वो डालेंगे कोमा के साथ। उसके बाद हम ब्रैकेट यहाँ पे लगाएंगे। तो ये हमने ब्रैकेट यहाँ पे ये लगा दिया हमने ब्रैकेट। उसके बाद इसमें जो हम यूज़ करेंगे, अब बॉर्डर हमें जो इसमें डालना है, तो बॉर्डर फॉन्ट बॉर्डर जो है वो हम टैग यूज़ करेंगे, बॉर्डर यूज़ कर दिया हमने। उसके बाद कितना हमें विड्थ रखता है, तो यहाँ पर 1 पिक्सल विड्थ रख लेंगे, 1px, एंड ब्लैक जो सॉलिड ब्लैक है उसका कलर रखेंगे। तो ये हमारा बॉर्डर हो गया, जो उसके साइड में बॉर्डर होगा सेमी कॉलन एंड में। उसके बाद जो बैकग्राउंड कलर है वो हमने डाल दिया बैकग्राउंड कलर, राइट। तो बैकग्राउंड कलर जो है हम यहाँ पे डालेंगे रेड। तो रेड जो है हमारा बैकग्राउंड कलर है और यहाँ पे सेमी कॉलन, ठीक है। अब उसके बाद जो हम करेंगे, अब इसको पहले हम चला के देखते हैं। तो इसको हम पहले क्लोज़ कर देंगे जो हमने डाला था स्टाइल। तो स्टाइल जो है हम क्लोज़ कर देंगे यहाँ पर स्टाइल टैग को। तो ये हमने क्लोज़ कर दिया। अब इसको कंट्रोल एस सेव करके हम इसमें चेक करेंगे कि अब क्या चेंजेस आए हैं उसमें। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। तो हमने ये सेव कर दिया है और थोड़ा सा टाइम लग रहा है, देखते हैं।
ठीक है, अब ये सेव हो गया है, सारी कोडिंग सही है इसमें। हाँ सही, THTR TD ये भी सही यूज़ किया गया है। और इसके बाद टेबल बॉडी HTML ये भी क्लोज कर दिया गया है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद ये भी सही है, ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया है यहाँ पे। तो थोड़ा सा इसमें टाइम लग रहा है। ओके तो हम अब रिफ़्रेश करते हैं इसको। रिफ़्रेश किया तो ये देखिए, अब सॉलिड ब्लैक लाइन आ गया है और जो इसका जो कलर था वो भी चेंज हो गया है। तो बैकग्राउंड कलर हमने रेड रखा था, रेड हो गया है। इसको चेंज करके हम कोई भी कलर डाल सकते हैं यहाँ पे, तो हमने इसको रेड ही रखा है। अब एक जो टेक्स्ट का कलर है वो हम डालेंगे, तो टेक्स्ट रेड पे वाइट अच्छा लगता है, तो यहाँ पे हम वाइट इंसर्ट करवाएंगे। तो वाइट कलर हमने यहाँ पे इंसर्ट करा दिया, सेमी कॉलन डाल दिया। और ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हर एक लाइन के पीछे सेमी कॉलन। तो हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो वाइट हो गया है टेक्स्ट, रेड के साथ वाइट टेक्स्ट हो गया। अब इसको हम चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। तो अब देखिए, वाइट रेड की जगह मैंने ग्रीन कर दिया है। अब इसको जब हम रिफ्रेश करेंगे तो अब ये ग्रीन हो गया इसका बैकग्राउंड कलर, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। उसके बाद इसको हम दोबारा, ये देखिए, अब इसको हम कलर चेंज करेंगे दोबारा से। अब ग्रीन की जगह हम इसमें कलर डालना चाहते हैं, ये हमने डाल दिया ब्लू, तो ब्लू कलर डाल दिया। यहाँ हमने वाइट ही रखा, इसको रिफ्रेश करेंगे तो अब ब्लू और वाइट का कॉम्बिनेशन यहाँ पे हो गया, देख रहे हैं। तो उसके बाद हम ऐसे ही चेंज कर सकते हैं, ब्लैक कर सकते हैं, ब्लू और ब्लैक। अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो ब्लू एंड ब्लैक हो जाएगा। सो गाइस ये देखिए,